दोस्तों कलंक में आपको जहाँ एक लव स्टोरी दिखेगी जो शायद हर किसी के दिलों में राज करे। दोस्तों कलंक एक्शन से भी पूरी तरह से भरपूर है। लिहाज तो कलंक में वरुण धवन आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन करते दिखेंगे और कलंक में किए हुए एक्शन सीन वरुण धवन के अब तक के सबसे खतरनाक एक्शन सीन होंगे। लिहाज तो कलंक में एक ऐसा एक्शन सीन रखा गया है जो काफी आलिशान और बड़ा दिख रहा है और इस सीन में वरुण धवन आपको भिड़ते दिखेंगे एक बुल से। लिहाज तो फिल्म के अगले सीन में एक बड़े स्टेडियम में आपको एक फाइट होती दिखेगी। लिहाज तो फिल्म में वरुण धवन आपको एक दमदार बॉडी के साथ दिखेंगे और फिल्म के टीजर में भी हमें देखने को मिला था कि वरुण धवन फिल्म में एक लोहार के रूप में है और ऐसे में फिल्म में वरुण धवन एक ताकतवर इंसान के रूप में होंगे। अब इस फिल्म में वरुण धवन बुल से फाइट क्यों करते हैं? लेकिन दोस्तों यहाँ दो अंदेशा लगाए जा सकते हैं, जिसमें से एक होगा कि फिल्म में वरुण धवन एंटरटेनमेंट और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बुल से लड़ेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की सजा वरुण धवन को मिली हो जिसके कारण उन्हें बुल से लड़ने के लिए भेजा जाएगा। और दोस्तों इससे पहले भी हम बॉलीवुड की फिल्मों में बुल और इंसान की फाइट देख चुके हैं, तो दोस्तों काफी दमदार होने वाले हैं कलंक के एक्शन सीन और फिल्म के क्लाइमेक्स में तो और भी ज्यादा खतरनाक एक्शन सीन दिखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ खुद वरुण धवन कहते दिखे थे कि कलंक में किए हुए उनके एक्शन सीन अब तक के सबसे खतरनाक एक्शन सीन है जिन्हें करते वक्त उन्हें काफी चोट भी लगी थी। दोस्तों बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म और वरुण धवन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी कलंक, और कलंक में दिखने वाले एक्शन सीन उससे भी ज्यादा शानदार होंगे। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।